लखनऊ के उत्तराखंड भवन गोमती नगर में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का भव्य क्षत्रिय महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में महासभा के राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी के बीच समस्त प्रदेशों व जिलों से आए पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बारी बारी से क्षत्रिय के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला और इतिहास को सूक्ष्म तरीके से जानने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। महासभा में कई पदाधिकारियों को उनके खास कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही नई नियुक्तियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में महिला व पुरुष पदाधिकारियों का अनोखे समन्वय देखने को मिला। सभी एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते हुए दिखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक कुंवर देवेंद्र सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मिथिलेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव सुरेश चंद सिंह कुशवाहा एवं समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज राजधानी लखनऊ यही लखनऊ सरसोवा के निवासी भाई मनोज सिंह चौहान मुन्ना भैया इस उद्देश्य से मंचासीन हैं। मैं मैम हमारा उद्देश्य श्री उदय भान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री मुन्ना भैया का सम्मान करें। और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, तो हमारा ये प्रोग्राम रहता है कि साल में एक ऐसा हम लोग समारोह करें कि हमारे क्षत्रिय भाई सारी जगह से आकर यहाँ पर आएँ और हम लोग एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करके आगे का कार्यक्रम क्या करना है, कैसे करना है, उस पर विचार करें। क्या ये सामाजिक संगठन है या राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय क्षत्रिय समाज को आगे लाने का इसमें प्रयास रहेगा? नहीं, देखिए मैम, राजनीति के बिना सब कुछ अधूरा है, ये कड़वा सच है। पर यह है सामाजिक संगठन, पर हम इसमें राजनीतिक लोगों को, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो हमारे क्षत्रित्व को समझते हैं, हम उनकी सहभागिता जरूर रखते हैं। तो सरकार से आप क्षत्रिय समाज को आगे लाने के लिए और सरकार में क्षत्रिय हमारे बीच बढ़ाने के लिए सम्मेलन जो एलडीए के विधिक सलाहकार हैं और इस समय आवास विकास परिषद अयोध्या में जो जमीनें एक्वायर की जा रही हैं, अपनी कुछ योगी मंत्रिमंडल ने उनको विधिक सलाहकार नियुक्त किया है के लिए या अन्य लोगों के लिए लैंड के मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट हैं उनके लिए कुछ भाई ओंकार का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उत्तराखंड मोड में। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकारिणी के साथ साथ मैं सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है। इस बैठक के बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारे वैसी राष्ट्रीय शक्ति की आगे सामाजिक कार्यों में क्या भूमिका। क्या कोई राजनीतिक क्षेत्र में अपने समाज बीच श्री विनोद कुमार सिंह राजनीतिक है एक्स कोई राजनीतिक एडिशनल कमिश्नर टैक्सेस और केवल समाज मंचासीन है। मैं संगठन के श्री देना चाहते हैं जितने भी क्षत्रिय एक बैनर तले आ जाए श्री शेषनाथ सिंह से अनुरोध करूंगा कि कृपया उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। तैयार उनके लिए राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का एक महासम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यक्रम को आयोजित करने का? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य हमारा ये क्षत्रिय समाज को एकत्रित करना जो हम लोग बिखरे हुए हैं और आज हर कौम कहती है कि अल्पसंख्यक हो गए अल्पसंख्यक हो गए, इसी सब को लेकर एक महासम्मेलन किया कि हम लोग सब एकत्रित हों, अपनी आवाज़ उठाएँ कि हम सो रहे सब लोग जाग जाएँ और अपने धर्म को, हमारा कोई धर्म नहीं है, मैं क्षत्रिय कोई धर्म नहीं होता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा के लिए होते हैं, तो मेरी कोई जाति नहीं है, मैं मतलब क्षत्रिय हूँ तो मैं कोई क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है, ये मेरा धर्म है, इसी को जोड़ने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए। इस तरह समाज इस समय राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर कई सम्मेलनों का आयोजन किया, क्या आपका ये सम्मेलन राजनीति भागीदारी के उद्देश्य से? मेरा कोई राजनीति इसमें वो नहीं है, ना कोई राजनीतिक हम किसी को बुलाया है राजनीति वालों को, सिर्फ अपने क्षत्रिय समाज का। ये सामाजिक श्रीमती नीशा जी जो हमारी प्रदेश मंत्री हैं महिला मोर्चा की, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमती अनीता पुंडे जी का स्वागत करें सम्मेलन के साथ। यही कहना चाहता हूँ, सब लोग एकत्रित होइए, अपनी आवाज उठाइए, एक रहोगे मजबूत रहोगे, फूट जाओगे बिखर जाओगे।
चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।